subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to Magic Maths. आज हम हमारे इजी ट्रिक के इसमें हम देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू इजीली कैसे पुटअप करते हैं. वैसे ही जैसे बड़े बड़े एग्जाम में आपको इसके वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना होता है, उसमें आपका बहुत टाइम जाता है, ये लर्न करने में भी और ये ड्रॉ करने में भी. इसीलिए मैं आज आपको इसमें इजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे आप रफली स्केच में भी बहुत जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस पूरे टेबल को अंडर रूट में डालना होगा, लाइक दैट. अंडर रूट में डालने के बाद इसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख के हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये पूरे टर्म्स को डिवाइडेड बाय 4 करना है. बाद में इसे सॉल्व करके इसका आंसर, जैसे 0/4 इसका रूट स्क्वायर रूट होता है 0, 1/4 अंडर रूट 1/4 इसका स्क्वायर रूट होता है 1/2, अंडर रूट 2/4 का स्क्वायर रूट होता है 1, अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट 3/2 और इसका होता है 1. अभी हमने देखी साइन थीटा की वैल्यू, अब हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू. जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है वैसे ही कॉस थीटा की, जैसे साइन थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका पूरा उल्टा लिखेंगे. जैसे 90 डिग्री में 1 है तो यहाँ पर 0 डिग्री में 1, अंडर रूट 3/2, 1/2, 1/2, 0. कॉस थीटा की वैल्यू भी निकल गई. अब टैन थीटा के निकालने के लिए हमें पता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा. 1/0 इज दिस 0, इट इज देयर डिनोमिनेटर इज सेम, 2 गेट कैंसल, 1/3, अंडर रूट टू कैंसल 1, फिर 2 कैंसल, √3/1, सो हम यहाँ पे √3 लिखेंगे. 0/1 इट इज नॉट डिफाइंड. टैन की वैल्यू भी निकल गई. अब टैन की वैल्यू निकल गई, जैसे हमने साइन की वैल्यू निकालने के बाद कॉस की वैल्यू उसमें उल्टी पुटअप की थी, वैसे ही टैन की वैल्यू निकलने के बाद हम कॉट केस में उसकी उल्टी वैल्यू पुटअप करेंगे. जैसे 90 डिग्री इट इज नॉट डिफाइंड, √3 इट इज 1, 1/√3 0. कॉट थीटा की भी निकल गई. अब सेक थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमें ये पता है सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये सेक थीटा ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का 1 इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/1 √2, 0 इट इज 1. अभी हम देखेंगे कॉसेक थीटा. तो जैसे साइन की वैल्यू निकालने के बाद कॉस में लिखी थी, टैन की वैल्यू निकालने के बाद उल्टी कॉट में लिखी थी, और सेक की वैल्यू निकालने के बाद सेक यहाँ पे नॉट डिफाइंड. वैसे सेक की वैल्यू निकालने के बाद हम कॉसेक थीटा की वैल्यू उसमें उल्टी पुटअप करेंगे. जैसे 90 डिग्री इट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, 2/√3 इट इज 1. देखा हमने कितने इजीली ये टेबल पूरा फाइंड आउट कर लिया. ऐसे ही इजी और क्विकली ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.